पार्किंसन डिजीज से कहा जाता है। पार्किंसन डिजीज का तारुफ किससे, पार्किंसन डिजीज का तारुफ हमारे ब्रेन से है। और ये बीमारी का तारुफ क्या होता है, दिमाग से तारुफ रखती है, जो दिमाग में खुलियात के तारीरी अमल के बायस होती है या फिर दिमाग के बेसल नतीजों को किसी नुकसान पहुँचने के बायस वाकई होती है। बीमारी का आगाज हाथ पैर या टांग के हल्के रोशा से होता है जो आराम की हालत में ज़्यादा होता है। बाद अजाए बीमारी जिस्म के दोनों अतराफ पर सरंदाज उजलात की सख्ती कमजोरी उजलात बाद अजाए बीमारी जिस्म के दोनों अतराफ पर सरंदाज होकर उजलात में सख्ती कमजोरी कब कभी पैदा कर देती है। हर चंद की बीमारी के आखिर में फम फरासत मुतासर होती है मगर जल्द ही कौत गोया में कमी और हिचकिचाहट का आगाज होता है और ल्यूडोपा जो जिस्म में जाकर डोपामाइन में तब्दील हो जाता है। इस बीमारी में मुअसर दवा साबित हो चुकी है, हर चंद के आरामत में कमी करती है मगर दिमाग में जारी खुलियाती तहरील को मजीद आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। पार्किंसन डिजीज किस तरह हमारे ब्रेन से ताल्लुक रखती है, उसके मतलब उसमें क्या होता है, उस वजह से उसके सिम्टम्स क्या है, उनमें जो हमारे जो मसल्स है वो क्या होते हैं, यानी कि मसल्स में सख्ती जो हमारे मसल्स वो सख्त हो जाते हैं और इंसान कमज़ोर हो जाता है और यानी कि उस पर कप कपी तारी हो जाता है, ये पार्किंसन डिजीज की अलामत है। उसके तरफ ब्रेन से और उसमें क्या होता है हमारे ब्रेन मतलब एक फम फरासत इस तरह मतलब फम का इंसान शिकार हो जाता है, ये वो मतलब उनके और भी इसके सिम्टम्स है, ये है पार्किंसन डिजीज़।